बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है जी, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। काबिल अफसोस वाकया ये, और ये किसी सऊदी खातून की तरफ से ये लगाई गई है ट्विटर के ऊपर वायरल। इसके ऊपर एक्शन वगैरह तो ले लिया गया है और जल्द ही उन बंदों को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा जिन बंदों ने ये हरकत की है। हुआ कुछ यूँ है कि अच्छा, ये इस वीडियो जब ये वीडियो वायरल हुई है उसी दिन मैंने कुछ एक दो और पिक्चर देखी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्मील में अंडों की पूरी पूरी ट्रे फेंकी हुई है। ये एक सऊदी की तरफ से लगाई गई थी कि ये एक रिस्क का ज़िया है और कुछ भी नहीं है, चलो ख़राब हो जाते हैं, आप बाहर कहीं रख दें, कौवे वगैरह या कोई और जानवर वगैरह खा लेते हैं, ये तो एक खुराक होगी जी। लेकिन कुरान पाक के मुतालिक यहाँ पर अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप शायद दिखाना शुरू कर चुका हूँ, आप वीडियो क्लिप साथ में देखते जाएँ। पुराने पाक के मुतालिक है जी, आप बाहर देख सकते हैं बर्मील में, चाहे उस पर गत्ते वगैरह ही क्यों नहीं फेंके गए हैं, चलो मैं मान लेता हूँ कचरा वगैरह नहीं होगा, कचरा वगैरह नहीं फेंका गया है, अगर गत्ते वगैरह ही फेंके गए हैं लेकिन कागज वगैरह ही फेंके गए हैं उसमें, भाई कुरान पाक रखने का या फेंकने का क्या मकसद है? कुरान पाक आप अलहदा से कहीं रख सकते हैं, या उनको पाकिस्तान में जैसा कि होता है कि चलती हुई वादियों में बहा दिया जाता है, या इसके अलावा कहीं पुरानी लाइब्रेरीज वगैरह पड़ी हुई हैं तो उनमें आप रख देते हैं। इसके अलावा ऐसा काम जो यहाँ पर किया गया है बाहर बर्मील में, यानी कि रख दिए गए हैं, अभी ये कौन उठाएगा? जाहिर सी बात है ये बल्दिया उठाएगी, तो बल्दिया इसको किधर लेकर जाएगी? ऐसी कोई भी हरकत काबिले मुज़म्मत है और सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर सऊदी अरब की यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को लेकर काफ़ी तनकीद की जा रही है, यानी कि जिन भी बंदों ने यह हरकत की है उनको सजा लाजम देनी चाहिए। आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे?